एंड गाइस, आपने एक चीज नहीं नोटिस की? रुक जाओ दिल दीवाने, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा। आई हैव सो मैनी थिंग्स टू डू। अभी मुझे अपनी पैकिंग करनी है, वो भी पूरे 6 दिन के हिसाब से। 6 तो नहीं 5 बोलूँगी, बट इट इज़ अ वेरी बिग टास्क एंड वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। इसलिए अभी 5 बज रहे हैं शाम के, और मैं इसको डिनर बोलूँ, लंच बोलूँ, आई डोंट नो क्या ही बोलूँ। तो मैं बना रही हूँ अपने लिए चिकन। जस्ट लुक एट द कलर नाउ गाइस। तो गाइज, लास्ट व्लॉग में आपने देखा था जहाँ मैं अपने लिए चिकन बना रही थी, और उसके बाद मैंने बोला था कि मुझे बैग पैक करना है। तो ये वही व्लॉग कंटिन्यू हुआ है। उससे पहले मैंने अपने लिए बॉर्नविटा वाला दूध गर्म कर लिया था, वो खाया, सॉरी पिया, और फिर एक बिस्किट का पैकेट खुला हुआ था, तो 6 दिन बाद आके वो खुला हुआ पैकेट क्या ही खाती, तो मैंने वो ख़त्म किया। प्लस एक टकाटक पड़ा था, वो भी ख़त्म किया, और उसके बाद मैंने पैकिंग शुरू कर दी। तो ये व्लॉग में आपको मैं सारी पैकिंग बताऊंगी थ्रू आउट, प्लस पैटर्न क्या करने जा रही हूँ वो भी बताऊंगी। हाय गाइस, सो मेरा ऑलमोस्ट सारा सामान जो है वो मैंने एक जगह रख दिया है, बट पैक करना अभी बाकी है। एंड मैं आपको बता दूं दैट आई एम गोइंग फॉर फ्लाइट टुमारो, नॉट टुडे, बट ये मेरे लाइफ का आज तक का सबसे लंबा पैटर्न है। मींस आई एम गोइंग फॉर 5 डेज एंड आई एम कमिंग बैक ऑन 6th। तो मैं संडे को जा रही हूँ और मैं फ्राइडे को वापस आऊँगी, और संडे को भी सुबह सुबह निकलना है। 10 बजे की रिपोर्टिंग है, तो 9 बजे तक कैब आएगी। प्लस अगर मैं आपसे पैटर्न की बात करूँ, तो पैटर्न होने वाला है दिल्ली अमृतसर, देन अमृतसर में ले ओवर, यानी कि पूरा दिन मैं अमृतसर में हूँ। नेक्स्ट डे अमृतसर टू बर्मिंगम, देन बर्मिंगम में ले ओवर। अगला दिन तो 42 आवर्स का समझ लो हमारा बर्मिंगम में ले ओवर है। देन थर्ड डे बर्मिंगम से वापस अमृतसर, देन अमृतसर में ले ओवर, देन अमृतसर टू दिल्ली। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वीक, पूरा हफ्ता जाने वाला है, तो मुझे उस हिसाब से पैकिंग करनी पड़ेगी। प्लस अमृतसर की अगर बात करूँ तो वहाँ पे एक्सट्रीम गर्मी होगी बिकॉज़ पंजाब है। एंड बर्मिंगम की बात करूँ तो वहाँ पे तो बिल्कुल बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मौसम होता है, बिकॉज़ मैं लास्ट टाइम जब लंदन गई थी तो 1 पीस पहना था एंड जैकेट्स भी साथ में कैरी की थी, और सडनली बारिश हो गई तो जैकेट्स पहननी पड़ी। सो आई हैव टू पैक अकॉर्डिंगली, मीन्स समर प्लस विंटर्स, तो वो भी एक चैलेंजिंग काम होने वाला है। सो लेट्स डू इट यार। सो गाइज, दिस इज़ वट आई हैव ऑर्डर। देखो कैसे टॉफी की शेप में पैक करके दिया हुआ है, क्यूट। गाइज, अभी 2 दिन पहले बारिश हुई है। मेरे इंस्टा पे आपने स्टोरी भी देखी होगी, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा, वो गाना गाया था मैंने। लेकिन बारिश के बाद भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, आज भी उतनी गर्मी है। फिलहाल मुझे एसी चालू करना पड़ा, बट ये वाला एसी बहुत कम यूज़ होता है और बहुत टाइम लगाता है ठंडा करने में। सो इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा रुक के पैकिंग करूँ, तब तक थोड़ा ठंडा हो जाएगा। एंड गाइज, देखो आज मेरा लेओवर वाला बैग पूरा खाली है। देखो क्यों, बताती हूँ। सो हुआ कुछ ये था कि मेरा इतने दिनों से होम स्टैंड बाय, एयरपोर्ट स्टैंड बाय यही चल रहा था। फर्स्ट एयरपोर्ट स्टैंड बाय 2 घंटे का कंप्लीट हुआ एंड आई गॉट पुल्ड आउट फॉर चेन्नई फ्लाइट। तो वहाँ पे तो मैं ये लेके जा नहीं सकती, तो मुझे बैग रखना पड़ा बेस पे। घर आके नेक्स्ट डे मेरा था होम स्टैंड बाय, उस दिन मैं पुल आउट हो गई टर्न अराउंड फ्लाइट के लिए। मीन्स इट वॉज़ नॉट अ लेओवर, अगेन मुझे लेओवर बैग नहीं चाहिए था, तो इसलिए ये मैंने घर आके खाली कर दिया था। अदरवाइज़ अगर कपड़े पड़े रहें बैग के अंदर, प्लस जूते भी होते हैं, तो बैग में ना स्मेल हो जाती है, तो इट्स बेटर कि पूरा बैग खाली किया जाए। तो इसलिए मैंने अपना बैग खाली कर दिया था, एंड इसके वजह से आपको ये बैग खाली दिख रहा है। अगर मैं किसी और लेओवर से आई होती तो पूरा बैग भरा हुआ होता, इसलिए मुझे स्टार्ट से अब शुरू करना पड़ रहा पैकिंग। बट एक तरीके से इजी भी है, क्योंकि जो चीज़ चाहिए होगी डायरेक्टली डालोगी, अदरवाइज़ अगर ऑलरेडी पैक हो तो आपको आधी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं एंड फिर अपने काम की डालनी पड़ती है। तो इट्स बेटर खाली बैग में सामान भरना। तो लेट्स डू इट। सो गाइज, ये मेरा छोटा मोटा थोड़ा बहुत सामान है, इसके अलावा जो भी एड ऑन होंगी चीज़ें वो भी आई विल टेल यू। तो ये है मेरा सर्दियों वाले कपड़े, एंड ये जैकेट है, क्योंकि इतनी कोई कड़ाके की ठंड तो नहीं होने वाली है। सो आई एम कीपिंग दिस
देन सोने के हिसाब से ये ट्राउज़र रख लेते हैं, दिस टी शर्ट, क्योंकि सोने के टाइम पे जितनी भी सर्दी हो मैं यही पहनूंगी, और अमृतसर के हिसाब से एक शॉर्ट्स रख लेते हैं, ये रहा, और इसके लिए एक जीन्स आ गई, ये रही। एंड आई एम थिंकिंग कि अगर गोल्डन टेम्पल गए जस्ट इन केस, वैसे तो आई डोंट थिंक कोई जाएगा बिकॉज पंजाब में बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऑलरेडी मैं टेम्परेचर चेक कर चुकी हूँ, बट यू नेवर नो बिकॉज कभी कभी होता है कि जो आप सोचते वैसा नहीं होता है। सो वट आई एम थिंकिंग कि एक कुर्ती टाइप कुछ रख लूँ, सो वो मैं लास्ट में रखती हूँ। दिस इज़ माई मेकअप एंड मेकअप रिमूव, आई मीन स्किन केयर बोल सकते हैं ईजी भाषा में, वो रखा है, तो इसको हम इधर रख लेते हैं। मेकअप नहीं है, सॉरी स्किन केयर ही बोल सकते हो आप इसको। एंड ये रहा खाने पीने का सामान, या खुदाया ये। तो इसके अलावा मैंने और भी चीज़ें लाई हैं, वो इसमें ऐड कर लेते हैं। सो ये मैं थोड़ा सा सामान लेकर आई थी बाहर से, अब देखते हैं इसमें से क्या क्या लेने लायक है। चीज़ निकाल, वाओ इतना कुछ लेके आई हूँ मैं। दिस इज़ नाचोस विच आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू टेक। दिस इज़ बिस्किट, यार दिस इज़ पैक वाला, तो इसमें से एक ही लूँगी। तो चलो अब खाने पीने वाला सामान एक साथ कर लेते हैं। ओ माय गुडनेस, ये भी गंदा हो गया है, देखो 1, 2 एंड 3, 4, 5 ये सब डाल देते हैं। एंड गाइज मैं चॉपस्टिक ख़रीद के लाई हूँ, मुझे खाना नहीं आता है बट आई वॉन्ट टू ट्राई एंड आई वॉन्ट टू लर्न ऑल्सो, तो ये भी आपको किसी ना किसी वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। इसमें तो चलो काम नहीं आएगा, साइड पर रख लेते हैं। दिस इज़ लिक्विड कोल्ड कॉफ़ी, जो मैंने आज तक कभी टेस्ट नहीं की है, वैसे सोच रही हूँ साथ में लेके जाऊँ, बट वहाँ पर आइस भी नहीं मिलेगी, घर पर ही पी लेंगे। एंड दिस इज़ फॉर मदानी, so these things will go here and here and here and here, so ek ye rakh lete hain। chappal ruk jao dil diwane गाइस, घर में ना ककड़ी भी पड़ी है जो मुझे लगता है हफ्ते बाद वेस्ट हो जाएगी, तो क्यों ना मैं एक ब्रेड ऑर्डर करूं और वो लेके जाऊं। प्लस मेरे पास ये सब पड़ा है, केचप, चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, थोड़ी सी मेयोनीज ले जाती हूं, तो मैं सैंडविच टाइप भी खा सकती हूं। क्या बोलते हो, आपको भी खुशी होगी ये जान के कि मैं हेल्दी साइड पर शिफ्ट हो गई हूँ। तो कप नूडल्स सिर्फ ऐसे रखे हैं बैकअप के लिए, तो आई थिंक आई शुड ऑर्डर दैट ब्रेड। गाइस अभी मैंने दिमाग लगाया, अगर मैं ककड़ी लेके भी चली जाऊँ, मतलब खीरा अपने साथ कैरी कर भी लूँ, तो ब्रेड एंड देन क्यूकम्बर एंड देन ओनली ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स और नमक और मेयोनीज डाल के वो टेस्ट नहीं आएगा। आई थिंक टमेटो या अनियन ये सब हो तो थोड़ा टेस्ट आ सकता है, तो आई थिंक आई शुड ड्रॉप दिस प्लान। व्हाट से, सो गाइस लास्ट मुझे चाहिए, अगर हम जाते हैं गोल्डन टेम्पल तो उसके लिए एक इंडियन टाइप अटायर, सो वो ढूंढ लेते हैं। सो ये आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देख ली होगी एंड दिस इज़ द ओनली वन आई हैव राइट नाउ, तो यही पहनते हैं। सुबह सारा सामान इस तरफ हो गया था जिसकी वजह से इधर बिल्कुल सामान नहीं था, इसलिए इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए मैं आधा इसमें शिफ्ट कर रही हूँ, अदरवाइज बैग ना पूरा टिल्ट होता रहता है एक ही साइड। अभी मुझे डालना है चार्जर, बट आई नीड टू चार्ज माई फ़ोन, अभी पूरी रात पड़ी है और मुझे सुबह जाना है, सो दैट्स इट ना। और ट्राईपॉड डालना है जो अभी लगा हुआ है, क्या हो गया इसको, हमारी जिंदगी पैकिंग अनपैकिंग में निकल जाएगी ऐसा लगता है। उफो,
सो गाइस फिलहाल मैंने बैग पैक कर लिया है, बट अब मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि अगर सपोज ठंड हुई, बिकॉज यू नो अबाउट माई किस्मत, अगर मैं सर्दी के कपड़े लेके गई हूँ तो गर्मी होगी, गर्मी के लेके गई होंगी तो सर्दी होगी. तो मैंने जो जैकेट कैरी की है दैट इज़ नॉट दैट वॉर्म, बिल्कुल स्लीवलेस है और गर्म नहीं है. तो मैं सोच रही हूँ कि एक हुड रख लेती हूँ साथ में, तो बस वो लेके आई. गिव मी 1 मिनट. एंड गाइज आपने एक चीज़ नहीं नोटिस की और वो है ये, आपके कहने पे मैं ले आई क्योंकि आपने मुझे बताया कि मैग्नेट, फ्रिज मैग्नेट ऐसा होता है कि मैं कल को चली जाऊंगी तो ये यहाँ से निकाल के निकाल सकती हूँ, तो इसीलिए अभी पुराने फ्रिज पे लगा दिए मैंने. सो दिस इज क्रू बैग. इसमें तो आपको पता ही है स्टार्ट में मैं रखती हूँ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, और अंदर होता है कि क्या क्या ही पड़ा है पता नहीं, बिकॉज मैंने आपको बताया कि लास्ट मैंने जो फ्लाइट्स की हैं वो टर्न अराउंड थी, मीन्स दिस वॉज द ओनली बैग विच आई वॉज कैरिंग. और इसमें भी हमें मिल जाता है ये चिप्स, चलो इसको इधर ही रहने देते हैं. दिस इज़ माई हैंड ग्लव जो ओवन में काम आएगा. दिस इज़ अ पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स. दिस इज़ लिपस्टिक एंड शार्पनर फॉर लिप लाइनर. दिस इज़ एम्प्टी. और क्या है ये, क्या है इसमें मेरे. सो गाइस अचानक से मैं गायब हो गई, अभी चल के आई हूँ. क्यों? क्योंकि मैं बड़बड़ बड़बड़ कर रही थी एंड कुछ सामान लेने गई एंड आई रियलाइज्ड कि वीडियो बन ही नहीं रहा है, स्टोरेज फुल हो गया था और मैं आपके लिए बड़बड़ किए जा रही हूँ. थैंक गॉड कि जल्दी पता चल गया. सो दिस इज़ शूज़, कंपनी शूज़, सॉरी दिस इज़ नॉट कंपनी शूज़, दिस इज़ माई पर्सनल वाला. एक्चुअली हमें स्टार्ट में मिले नहीं थे शूज़, और ये वाला है कंपनी शूज़ जो मैं गलती से अपनी लास्ट फ्लाइट पे पहन के चली गई. और ये देखिए क्या हालत हुई है, टिशू लगा के मैं घूम रही थी एंड आई हैड शू बाइट इतना गंदा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. तो फिलहाल मैं ये नहीं पहनने वाली हूँ, आई विल वेयर दिस ओनली. दिस इज़ कैबिन शूज़, ये भी चाहिए, और तो कुछ चाहिए नहीं मुझे. कार्ड इसमें ही आई थिंक. थोड़ा सा कैश रखूँगी मैं, बिकॉज पहले तो मेरा डोमेस्टिक लेओवर है, क्योंकि क्या पता अंकल जी UPI पेमेंट एक्सेप्ट करते होंगे या नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा कैश भी रख लूँगी. और इसी के साथ मेरा ये वाला पैक हो गया है बैग. उफ, दिस इज़ वेरी हल्का एंड दिस इज़,